चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 415 आई थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस ही नहीं रही, ये तो क्या रह गए, गुंडे, ये तो गुंडे हैं, लुच्चे हैं और क्या है। नहीं, ये तो कह रहे कि हमने और ज्यादा समाजवादी से भी ज्यादा उभर गया। अब भाजपा के गुंडे हो गए सारे, जो भाजपा में चला गया वो साफ हो गया, बाकी सारे गुंडे जितने पटवारी हैं, कानूनगो हैं, एसडीएम हैं, पुलिस वाले हैं, ये काम गलत कर रहे हैं और नहीं कोई कर रहा है। जो MLA MP हैं वे नहीं कर रहे। भाई जी देखो, इस सरकार में विकास तो बहुत हुआ, विकास की तो कमी नहीं है, काम सब अच्छे हुए। बाकी हमें तो एक चीज़ की शिकायत है, हम जंगल के मजदूर आदमी हैं, ना तो हमारे पास राशन कार्ड, ना हमारे परिवार में किसी का उस्मान कार्ड। आज लोग कोई बाथरूम नहीं बने, लैटरिन नहीं बने, कुछ नहीं बना, हमारा कोई सोचता ही नहीं इस तरह। पिछले 10 सालों से प्रदीप चौधरी सांसद हैं, तो कितना काम हुआ। उन्होंने तो भाई देखे ही नहीं किसी ने भी, यहाँ वे नहीं आए यहाँ से। अच्छा जी, हाँ अब तो इलेक्शन जो आया था भाई, एक राशन का आया यहाँ। नमस्कार दोस्तों, शीशे में आपका स्वागत है। आज हम किराना लोकसभा सीट के कस्बा जलालाबाद में आए हैं। लोकसभा 2024 चुनाव की तैयारियां सभी पार्टियों ने शुरू कर दिया है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों से बातचीत करते हैं कि उनकी चुनाव में क्या राय है। जी जी, आपका नाम क्या है? लियाकत है भाई। पिछले 10 सालों से प्रदीप चौधरी सांसद हैं, तो कितना काम हुआ। उन्होंने तो भाई देखे ही नहीं किसी ने भी, यहाँ वे नहीं आए यहाँ से। अच्छा जी, हाँ अब तो इलेक्शन जो आया था भाई, एक राशन का आया यहाँ। कुछ काम वाम के हो, कोई नहीं करा रहे हैं, कुछ नहीं करा भाई, ना देखे उनकी शकल भी, देखी हुई 10 साल में। मकान बना के दे रही भाजपा सरकार, और क्या ले, राशन दे रही। अच्छा जी, काम चल रहे भाजपा सरकार में, दुनिया भर की योजना चल रही सरकार की। मोदी सरकार ने जितना काम करा किसी सरकार ने पहले नहीं करा, और ना के कोई कर सकती। मैं तो यहाँ लोहे का काम करूँ, तो भाई भोग पर रखा सड़क पर, मेरा योगी उठवाने के चक्कर में उठा लो, अभी सरकार में कहाँ जावे हम। तो आप तो बता रहे कि बीजेपी ने अच्छा काम किया, लेकिन आप अच्छा क्या, अच्छा इसी सरकार में बैठे हम रोड पे। भाई समझो, बस ये हो रहा, और कुछ नहीं, सब काम बढ़िया। क्या लग रहा जी, 2024 का चुनाव है, एक तरफ इंडिया गठबंधन से प्रदीप चौधरी है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से, इंडिया गठबंधन आ गया यहाँ। तो प्रदीप चौधरी ने तो काम ही नहीं करा 5 साल। उसका गांव है दूधला, उसमें भी खंडर, सड़क नहीं है उसमें भी ढंग की, उसके गांव में भी सड़क नहीं। प्रदीप चौधरी की सूरत भी देख के कैसा हो। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के, अभी अंकल जी ने बताया कि यहाँ पे जब से भाजपा सरकार आई अच्छे काम हो रहे, रोड बन गए, राशन मिल रहा। कुछ नहीं बना है, प्रदीप चौधरी को सूरत भी नहीं देखी किसी ने भाई। वोट तो क्या देंगे, हिंदू गुज्जर ही नहीं दे, हिंदू गुज्जर ही वोट नहीं देंगे। जो हिंदू गुज्जर है वो इकरा को वोट देंगे सब। हाँ, हिंदू गुज्जर भी कुछ नहीं करा, नहीं अच्छी लड़की है इकरा, बहुत अच्छी लड़की है, काम करने वाली, उसका बाप भी काम करने। कभी मुनव्वर चौधरी ने भी ये नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुसलमान, काम करे लोगों के, इसी तरह इकरा कर रही, वही जीतेगी इंशाल्लाह। तो लगभग जीतना तय है उनको, इंशाल्लाह वही जीतेगी, काम की वजह से, वैसे कुछ नहीं। वोट भी इनके ज़्यादा हैं, हिंदू गुजरो मुसलमान गुजरो दोनों गुजरों के ज़्यादा हैं, और हिंदू मुसलमान गुजर दोनों वोट दे रहे उसे, और मुसलमान तो दे ही रहे ज़्यादातर, वो इकरा ही जीतेगी यहाँ तो। लेकिन मोदी जी ने भी दावा कर दिया कि इस बार NDA 400 प्लस सीट लेकर आएगा। 400 हजारों हमारी सीट पे इकरा जीतेगी, वो अलग चीज़ है, 400 मिले 500 मिले। और मोदी तो क्या है, कांग्रेस थी 415 आई थी वो नहीं रही, तो ये मोदी तो कहाँ रहेगा। 415 आई थी कांग्रेस की, वो कांग्रेस ही नहीं रही, ये तो क्या रहेगा, गुंडे, ये तो गुंडे हैं, लुच्चे हैं और क्या है। नहीं, ये तो कह रहे कि हमने और ज़्यादा समाजवादी से भी ज़्यादा उभर गया। अब भाजपा के गुंडे हो गए सारे, जो भाजपा में चला गया वो साफ हो गया, बाकी सारे गुंडे, चाहे कितने बड़ा गुंडा। लेकिन दावा तो ये कर रहे हैं कि लोग भी मान रहे इस चीज़ ने कि पिछले 10 सालों में, मतलब जब से योगी सरकार आई या बीजेपी सरकार आई, तो देश में मतलब गुंडागर्दी खत्म होगी यहाँ से, सारी भाजपा गुंडी होगी भाई। जो भाजपा में चला गया वो शरीफ है, बाकी सारे गुंडे, जो भाजपा में चला गया वो शरीफ, बाकी सब गुंडे।
इनके किसी का किला तुड़वा देंगे, किसी का पशुधरा तुड़वा देंगे, किसी के महल तुड़वा देंगे, या तो भाजपा ज्वाइन करनी पड़ेगी, अन्य सबका बेटा कर ठंडी सड़क। राशन मिल रहा है क्या? राशन मिलने से ही आपकी जरूरतें पूरी हो जाती है या आपको कुछ और भी चाहिए? राशन से थोड़ा जरूरत पूरी हो भाई, और खर्चे थोड़े है, ऐसा है एक राशन जीतेगी यहाँ। प्रदीप चौधरी ने तो आगे सकल ही नहीं दिखाई। राशन तो सब देंगे, जो भी सरकार आवेगी वो देगी राशन, तो कोई वो थोड़े दे रहा, मोदी घर से दे रहा या कांग्रेस घर से देगी या कोई घर से देगा, सबको देना राशन तो सबको मिलना। मोल दो फ्री ना दो, लोगों की तरफ फ्री ना दो भाई, मोल दो राशन से कोई पूरा नहीं पड़ता। ये जो राशन मिल रहा है ये पहली सरकार में मिलता था क्या, इसी सरकार में मिलता? नहीं, पहले से ही मिलता था, जब तो तेल चीनी मिल रही थी, अब तो राशन मिल रहा। अब क्या क्या मिलता है और कितना मिलता है? बस 5 किलो राशन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। आज लोग कोई बाथरूम नहीं बने, लैटरिंग नहीं बने, कुछ नहीं बना हमारा, कोई सोचता ही नहीं इस तरह। अभी अंकल जी तो बता रहे थे कि हमारे तो अच्छे मकान बन रहे, सब कुछ बन रहे। भाई कुछ के बन गए, कुछ के नहीं बनते, सबके थोड़े बने हुए भाई। इतना ही आओगे यहाँ से जी? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इनाम है भाई। अच्छा जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? यहीं जलालाबाद का ही। तो क्या लग रहा कि भाई पिछले 10 सालों में कितना काम हुआ, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, अगर हम इन मुद्दों को देखें तो इन पे कितना काम हुआ? भाई जी देखो, इस सरकार में विकास तो बहुत हुआ, विकास की तो कमी नहीं है, काम सब अच्छे हुए। बाकी हम तो एक चीज़ की शिकायत है, हम जंगल के मजदूर आदमी, ना तो हमारे पास राशन कार्ड, ना हमारे परिवार में किसी का आयुष्मान कार्ड, हमारे पे ना राशन कार्ड बना हमारा आज तक, और ना हमारा बना आज तक आयुष्मान कार्ड, पर पूरे परिवार में किसी का नहीं है। हम तो झुके हैं, बाकी सरकार ने काम अच्छा करा। तो आप जैसे मजदूरों के लिए पिछले 10 सालों में कितने काम हुआ, क्या कुछ कोई गवर्नमेंट सरकारी सुविधाओं को किसी का लाभ मिला आपको या नहीं? हमें कोई सुविधा का, मुझे तो मेरे परिवार में किसी सुविधा का कोई लाभ नहीं मिला। बता रहा मैं, ना तो मेरा राशन कार्ड, ना मेरे परिवार में किसी का आयुष्मान कार्ड, अगर कोई बीमार हो जा तो बस अपना मामा पता जैसी मरे भीतरी। अच्छा भाई, हर ने काम सब बढ़िया कर रही है सरकार, मकान ही बना के दे रही, सब काम कर रही, पानी की स्वास्थ्य की सब सुविधा है। हम पिछले 20 सालों की बात करें और अब की बात करें, तो आपको पिछली राजनीति और अब की राजनीति में कितना डिफरेंस आया कि भाई पहले किन मुद्दों पर राजनीति होती थी, आज के किन मुद्दों पर राजनीति होती है? राजनीति जो है तो बढ़िया आपके, मगर क्या है, कर्मचारी अच्छे नहीं, कर्मचारी कर रहे हैं सीधे सी लोगों के। आपकी नज़रों में क्या क्या काम ठीक किए उन्होंने? मोदी ने जी, मोदी ने तो बतरे काम ठीक करे, राशन भी बांटा उन्होंने, तो चाहे मुझे मिला नहीं मिला मैं ये नहीं कह रहा, नहीं बांटा तो पब्लिक को ही तो दिया, लेकिन राशन तो पहले भी मिलता था, पेंशन भी दी लोगों को, बेवाओं को भी दी, बुढ़े आदमियों को भी दी, हमने नहीं ली तो कोई इसका मतलब नहीं है। और आयुष्मान कार्ड दिए तो, आयुष्मान कार्ड तो मिला नहीं, मगर हाँ आयुष्मान कार्ड भी बनवाया, वो भी पैसा दे के बनवाया, अस्पताल में बनवाया हमने। अच्छा जी, तो आपका मानना है कि सबसे ज्यादा धांधलेबाजी भाजपा सरकार में? भाजपा नहीं करती। अच्छा, जो यहाँ के कर्मचारी कर रहे हैं, कर्मचारियों की बात है, जितने पटवारी हैं, कानूनगो हैं, एसडीएम हैं, पुलिस वाले हैं, ये काम गलत कर रहे हैं, और नहीं कोई कर रहा, जो MLA MP है वो नहीं कर रहे, वो नहीं करते, चाहे भाजपा के हों चाहे मेरे हों, मैं यूँ नहीं कह रहा। नहीं भाई साहब, जब से कांग्रेस आई लोगों के जुआ रहती, देखो काम रलाओ भाई, इधर ये यूनियन जुआ मारा करे थे, यो कांग्रेस ने जुआ हटवाई सारे काम करे, भाजपा कहाँ सो रही थी जब से जुआ मारे थे, नेफों में भी बगलों में भी जुआ रहती, यो कांग्रेस के जो लोगों की जुआ भी हटवा दी, गरीब भी हटा दी, लोग एक टाइम यो भी आया कि गाजरे खाई, गाजरे में आटा भून भून के मिला के वो खाई, ऐसे बुरे टाइम थे कांग्रेस का हुआ। आज ये बता रहे कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, ये तो बेच बेच के खा रहे सब, सब कुछ कांग्रेस ने करा, इन पर कुछ नहीं हुआ आज तक, भाजपा पे तो बकवास करें, देश को बेच के खा जा, जो कुछ करा कांग्रेस ने करा, भूखमरी थी कांग्रेस नहीं करा भाई, ये क्या जाने लोग क्या भूखमरी थी पहले, यो कांग्रेस सुधार लाई है क्या लिया होंगे, यो 5 किलो अनाज दे कर राशन, और यो को सबको मिल रहा राशन काट दिया सबके, कुछ आदमी को दे रहे बहाना कर रहे, कम दे रहे सबको, नाटक कर रहे, नाटक है, नाटक कर रहे भाई, ये कुछ नहीं, भाजपा का क्या है रोड निकलने में, टोल टैक्स ले लेंगे 4 गुना वसूल करेंगे, क्या है भाजपा का इसमें, जो बेवकूफ़ लोग हैं वो समझ रहा, भाजपा बहुत अच्छा कर रही, भाजपा बहुत अच्छा कर रही, जो पागल लोग हैं क्या है इसमें भाजपा का, आप ही बताओ क्या है भाजपा का, सब बाहर का पैसा टोल टैक्स पे वसूल करेंगे 4 गुना, बेवकूफ़ बना रहे तमाम जमीन ने सड़कों में कर दी इन्होंने,
यो भी सड़क वो भी सड़क बेवकूफ बना रहे, खेती कहाँ होगी इतनी सड़कें बन रही, कोई सड़कों की कमी है। आपको सड़कों से कितना फायदा हो रहा है? कितना भी फायदा नहीं है, हमें सड़कों से क्या फायदा, वही सड़क है जिन पे पहले चले थे वही आगे भी चलेंगे, ये आलतू फालतू के रोड निकाल ले इस पर डकैती मारेंगे और कुछ भी नहीं करने के। 24 के चुनाव में क्या देख रहे हैं आप? 24 के चुनाव में हमारी सीट पर तो इकरा आवेगी भाई। अच्छा जी, और बाकी देश में क्या लग रहा है? देश में क्या होगा, मैंने पहले बताया 425 सीट कांग्रेस की आई थी और वो नहीं रही, ये भी जाननी, इसी तरह कांग्रेस चली गई थी, अभी वो भी भाजपा भी चली जाएगी। पहले यहाँ से राजपूत आए बाहर से, उन्होंने नाश करा लोगों का, मारपीट करी, अल्लाह मैंने उन्हें ख़त्म करे। फिर यहाँ से पठान आए, अल्लाह मैंने उन्होंने जायती करी, उन्हें ख़त्म करे। फिर यहाँ मुगल आए, मुगलों ने जायती करी, उन्हें ख़त्म करे। फिर यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने जायती करी, अल्लाह ने उन्हें ख़त्म करे। फिर कांग्रेस को ख़त्म करी, अब भाजपा ख़त्म करेगी, आगे कौन आएगा, जो जायती करेगा उसका बेटा ग्राहक होगा। हमने 2024 चुनाव के बारे में लोगों से बातचीत की, जिसमें लोगों का मानना है कि इस बार जो भी हमारे मुद्दों पे काम करेगा हम उसको वोट देंगे। लोगों का तो इस बार लोगों को लग रहा है कि इकरा हमारे मुद्दे अच्छे से उठाएगी और इस बार हम उनको जिताएंगे। जुड़े रहिए शीशे के साथ, आपको उत्तर प्रदेश से खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।